गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बालकों, JMD क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें, जो भी क्लासेस का लेक्चर अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके उज्जवल भविष्य में हमसे जितनी आपकी मदद हो सकती है हम वो सारे मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग का जो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि 1, 2, 3 इंडिकेट कर रहा है हॉट कॉफी फिल्टर्ड, 3, 5, 6 इंडिकेट कर रहा है वेरी हॉट डे, 5, 8, 9 इंडिकेट कर रहा है डे एंड नाइट। तो हमें आपसे पूछ रहा है कि वेरी किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट यहां पे है 1, 2 और 3, यह इंडिकेट कर रहा है हॉट कॉफी फिल्टर। ठीक है, दूसरा हमारा दिया हुआ है 3, 5, 6, यह इंडिकेट कर रहा है वेरी हॉट डे, और तीसरा है 5, 8, 9, यह इंडिकेट कर रहा है डे एंड नाइट। तो हमें पूछ रहा है कि वेरी को कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है एग्जामिनर यह चाहता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा समय लेकर उसको सोल्व करें, वो हमसे गलतियां कराना चाहता है ताकि हम गलती करें। ठीक है, क्योंकि टोटल वैकेंसी रहती है CGL CHSL MTS अगर 10,000 तो बच्चे अपीयर होते हैं 40 लाख। ठीक है, हमने देखा यहाँ 1, 2, 3 इंडिकेट कर रहा है हॉट कॉफी फिल्टर्ड, 3, 5, 6 वेरी हॉट डे, 5, 8, 9 डे एंड नाइट। ठीक है, हमने पहले इस दो इक्वेशन को लिया, हम देख रहे हैं कि इसमें हॉट है और इसमें भी हॉट है, यहाँ कॉफ़ी है पर इसमें कॉफ़ी नहीं है, यहाँ फिल्टर्ड है पर इसमें कहीं भी फिल्टर्ड नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि इसमें भी हॉट है और इस लाइन में भी हॉट है। अब हमें कंपेयर करना है कि इस दोनों नंबर में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। हमने इसमें 1 देखा, 1 तो फर्स्ट वाले में है पर इसमें 1 नहीं है, हमने 2 देखा इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी दोनों में हॉट अवेलेबल है। तो हॉट के लिए क्या इंडिकेट हो जाएगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 और 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इस दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे देखिए यहाँ वेरी है पर इसमें वेरी नहीं है, यहाँ हॉट है पर इसमें हॉट
नहीं है, यहाँ डे है और इसमें भी डे है। हमने यहाँ पे डे को ले लिया और यहाँ भी हमने क्या लिया, डे को ले लिया। हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। जैसे पहले हमने सर्कल के माध्यम से थ्री हॉट हॉट को इंडिकेट किया, तो अगला हम इसको स्क्वायर रेक्टेंगल किसी से इंडिकेट करेंगे, ट्रेंगल, ताकि दोनों मिक्सअप ना हो। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते रहते हैं तो जैसे हमारा टाइम 59, 58, 57 होती है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ डे देखा, यहाँ डे देखा। अब आप देखिए, यहाँ 5 है और इसमें भी 5 है, यहाँ 6 है पर इसमें 6 नहीं है, पर डे और डे इस दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। तो हमारे डे डे के लिए इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, यानी इसमें भी डे है और इसमें भी डे है। तो दोनों इक्वेशन में हमारा कॉमन क्या हो गया, 5 और 5। अब इसमें हमारा कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, यानी 2 के लिए तो नंबर हमें इंडिकेट हो गया, हॉट के लिए 3 फाइंड आउट हो गया और डे के लिए 5 फाइंड आउट हो गया। तो इस लाइन में बचा क्या है, केवल 6, और केवल वेरी बचा हुआ है। तो 6 बचा हुआ है, वेरी बचा हुआ है, यानी वेरी के लिए क्या हो जाएगा, 6, यानी वेरी के लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6। तो वेरी के लिए ऑप्शन हम क्या लिख देंगे, 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, रीजनिंग जो होता है वो मैथ का पार्ट्स है, रीजनिंग कोई टफ नहीं आता है। हमें यह इंडिकेट करना है कि कितना जल्दी हम उसको फाइंड आउट करते हैं, कि कौन से कॉन्सेप्ट को लगा के इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ जेब्रा इंडिकेट दिस डिजिट, यानी जेड ई बी आर ए, यानी जेब्रा इंडिकेट कर रहा है 26, 5, 2, 1, 8 और 1। तो हमें पूछ रहा है कोबरा, कोबरा क्या इंडिकेट करेगा। हमने आपको बता दिया है कि रीजनिंग में जो भी हमें गिवन दिया हुआ है उसके सीक्वेंस को हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेम सीक्वेंस उसके अगले में रिपीट करेगा, ठीक है। तो हमें इसका जो क्लू मिलेगा वो पहले वाले इक्वेशन से ही मिलेगा। हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमें याद करके रखना है, हम फिर भी आपको रिपीट कर दे रहे हैं। हमने ई को इंडिकेट किया था 5 से, हमने जे को इंडिकेट किया था 10 से, हमने ओ को इंडिकेट किया था 15 से, हमने टी को इंडिकेट किया था 20 से और डब्ल्यू को इंडिकेट किया था 23 से। क्योंकि ए बी सी डी ये चार तो हमें हमेशा याद रहते हैं, एक्स वाई जेड भी हमें हमेशा याद रहते हैं, तो ई के बाद हमें याद रखना है ई के बाद एफ जी एच आई, आई के बाद यहाँ जे 10 है, जे के बाद जे के टायर, के एल एम एन, एन के बाद ओ, ओ का 15, ओ यानी बोथ, ओ के बाद पी क्यू आर एस, टी आपको पता है 20, टी के बाद यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
हमने देखा यहाँ ए दिया हुआ है तो ए का इंडिकेशन क्या है, वन, यानी ए का इंडिकेशन वन है। हमने बी का इंडिकेशन देखा तो बी किस नंबर पे है, टू पे, क्योंकि जैसे हम ए बी सी डी लिखते हैं ए बी सी डी और सो ऑन, तो ए का पोजीशन वन है, बी का टू है, थ्री, सी का थ्री है और डी का फोर है। ई का नंबर फाइव पे आता है, यानी ई का नंबर फाइव। हमें जेड बच गया और आर बच गया। हमें पता है कि जेड का पोजीशन क्या होता है, 26। अब आर का पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है, 18 होता है कि नहीं होता है। हमने आपको बताया था ओ का पोजीशन क्या होता है, 15, ओ बोथ, तो ओ के बाद क्या होता है, पी क्यू आर, तो 15 + 3 = 18। तो हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 18। यानी गिवन प्रीवियस नंबर से हमें यह समझ में आ गया कि इन सारे नंबरों का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है वही ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबकी ओरिजिनल पोजीशन लिख देंगे। जैसे देखिए, ए की ओरिजिनल पोजीशन हमें पता है, वन। बी का ओरिजिनल पोजीशन हमें पता है, टू। आर का यहाँ ओरिजिनल पोजीशन हमें ऑलरेडी फाइंड आउट है, 18। सी का ओरिजिनल पोजीशन हमें पता है, 3। और ओ की ओरिजिनल पोजीशन तो हमें 15 ऑलरेडी याद ही है। हमने क्या लिख दिया, 15। ठीक है, तो आप देखिए 31, 52। अब ऑप्शन में आप देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, 31, 52, 181। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, 31, 52, 181। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमें प्यारे बालकों, यह चीज़ हमें याद रखना है कि अगर हम कोडिंग डिकोडिंग में अगर हमें 20 टाइप या 25 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर हर टाइप पे मात्र एक या दो क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और उन्हीं दो क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हम ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टाइप के क्वेश्चन को हम सेम टाइप के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग में इतने इतने टाइप के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। आप प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन के पैटर्न को देख लो, हमें क्या होती है, हमें पैटर्न ही याद नहीं रहता है कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, हम सोल्व कैसे करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं पड़ता है जिस वजह से हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है, मात्र एक घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। अगर वह टफ क्वेश्चन दे देगा तो ऐसे ही नहीं बनेगा, अगर टफ देगा तो जो हमारा सिलेक्शन 90-95 मार्क्स पे आता है वह हमारा हो जाएगा 70-75। ठीक है, तो हमें आपको एक ही बात बताना है कि किसी भी फील्ड में कोई कंपटीशन टफ नहीं होता है। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तब कहीं ना कहीं हमें यह देखने की आवश्यकता है कि किसी न किसी फील्ड में हमारे में क्या है, कमी है। हम दूसरे पे दूसरे की कमी फाइंड आउट करने से अच्छा है खुद की कमी को फाइंड आउट करें और अपनी कमी को हम क्या करें, सही करें। जब तक हम अपनी कमी को सही नहीं करेंगे, सिलेक्शन होने की जो टाइम ड्यूरेशन है वह बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।